व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज सागर कामड़े एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक जगह पे आ गए जिसका नाम है पारड सिंगा। मोस्ट ऑफ द लोगों को जो नागपुर साइड में रहते हैं उन लोगों को पता होगा, बहुत फेमस जगह है। तो पहले तो हम पारड सिंगा के चिंतामणेश्वर मंदिर में आए। मॉर्निंग प्लस वीकडेज है तो कोई है नहीं यहाँ पे। लेट्स सी कि यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। मैं जब बचपन में आया था मैंने देखा था यहाँ पे एक गुफा वगैरह है। बट बिफोर गोइंग अहेड ये ब्लॉग का ट्रेलर तो देख लो। ये मंदिर एक हिल पे बना हुआ है जो सत्य अनुसया माता के मंदिर से 1 किलोमीटर के अंदर ही आता है। ऊपर आने के लिए आप एक छोटा हाइक कर सकते हो या फिर गाड़ी डायरेक्ट ऊपर ला सकते हो। जो रास्ता कुछ ऐसा है, हाँ थोड़ा स्टीप भी है, बस गाड़ी केयरफुली चलाइए। यहाँ पार्किंग के लिए आपको 20 रुपए का चालान देना पड़ेगा। मंदिर के बाहर वाले नज़ारे काफ़ी सही है और मॉर्निंग का समय था तो पूरा फॉगी भी है। तो यहाँ पे एक गुफा भी है तो चलो चलते हैं। नहीं जा सकते यार, है क्या लेकिन अंदर आप बंद है शायद। तो ये जगह थोड़ी इंटरेस्टिंग सी है, पहाड़ पे बसी हुई है। मतलब पहाड़, नागपुर एरिया में जो पहाड़ है वो छोटे छोटे हैं तो उस पे ये बसा हुआ है। अपना जो मेन मंदिर है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही। और यहाँ पे आई थिंक 2 मंदिर है, एक ये जो मंदिर है जो मैंने आपको दिखाया है और दूसरा पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है जो यहाँ से आपको दिखेगी। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके हम निकले मेन मंदिर की तरफ जो है सत्य अनुसया माता मंदिर। रास्ते में भगवान शिव का एक विशाल स्टैचू है। और मंदिर की बात करें तो ये मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में बना हुआ है जहाँ मेन मंदिर, गार्डन, बच्चों के लिए प्ले जोन और कई सारी चीज़ है। यहाँ पे पार्किंग के लिए अच्छी खासी जगह है। यहाँ पे ऐसे पूरे दुकान है जहाँ से आप पूजा का सामान ले सकते हो। तो अभी हम लोग आए सत्य अनुसया माता टेंपल के लिए और वहाँ पे जाने के लिए जो रास्ता है बहुत ही ज़्यादा सीनिक है, पूरा डार्क हो गया है यहाँ पे, लुक एट दिस। और यही रास्ता पूरे टाइम पर, मतलब यहाँ से जो मंदिर तक, मंदिर वो साइड में वहाँ तक जाने वाला पूरा रास्ता ऐसे ही कवर्ड है। अभी शायद यहाँ पे हवन नहीं होता रहेगा क्योंकि
कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के चलते लोग कम आ रहे हैं, तो नहीं तो हर बार ऐसा पूरा भरा हुआ रहता था, जल रहा होता था, लेकिन इस बार कम है। और बिलीव मी, यहाँ पे पूजा हुआ, पूजा के वक्त ये पहली बार हुआ है कि सिर्फ हम चार लोग थे वहाँ पे, एक दो पुजारी और दो लोग हम, और फिर एक दो लोग आए, बस उतने ही, उससे ज़्यादा कोई भी नहीं था वहाँ पे। तो अपना मंदिर हो गया और टेकड़ी वाला मंदिर भी हो गया है। समथिंग अबाउट दिस प्लेस कि तुम यहाँ पे अपने फैमिली के साथ फैमिली पिकनिक के लिए आ सकते हो और घर से टिफ़िन ला के यहाँ पे खा भी सकते हो। तो गार्डन मैं आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पे आई थिंक हर एक फैमिली ने एक बार तो आना चाहिए फैमिली के साथ, डिनर लंच जो भी आपको प्लान करना है यहाँ पे घर से लेके, वो सब आप कर सकते हो। तो दिस इज़ अ नाइस प्लेस टू हैव दैट फैमिली वाला ट्रिप। हम लोग तो रुकने नहीं वाले, ऑफिस भाई टाइम हो गया है अच्छा खासा। यहाँ पे एक ध्यान मंदिर है जहाँ पे आप आराम से बैठ के ध्यान लगा सकते हो। वो छोड़ के यहाँ पे एक बच्चों के लिए पार्क है जहाँ पे टॉय ट्रेन भी है, जो अभी फिलहाल तो बंद है। और टॉय ट्रेन के साथ साथ यहाँ पे कुछ खिलौने हैं जो सीसॉ टाइप्स में हैं, तो दैट यू कैन गो, यू कैन एक्सप्लोर, मतलब आपके बच्चे खेल सकते हैं। तो या दैट्स व्हाट इट इज। वेल दैट्स इट गाइस फ्रॉम दिस वीडियो, अब हम निकलते हैं घर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यस देन डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली जिनके साथ आप यहाँ पे पिकनिक पे आना चाहोगे, एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, क्योंकि ऐसे ही अच्छी वीडियोस मैं लाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में।